सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा घोषित कपड़ा नीति का स्वागत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता कि मजदूर लोग इससे प्रेरित नहीं होंगे तथा इससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जब से कपड़ा नीति की घोषणा हुई है, तब से कपड़ा उद्योग में उत्साह का वातावरण बन रहा है। यह उल्लेखनीय है कि 4 वर्ष पहले इस उद्योग में जो 100 करोड़ का घाटा था, वह घटकर 9 करोड़ हो गया है। इससे यह साबित होता है कि इसकी क्षमता बड़ी है, इसकी कार्यकुशलता बड़ी है। इस उद्योग के अंदर पहले जो अपव्यय हो रहा था, उस पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। मैं सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो 20 मिलें बंद पड़ी थी, उनमें से 4 मिलें चालू हो चुकी है और 16 मिलें शीघ्र ही रोग मुक्त होने की स्थिति में हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस दिशा में दिलचस्पी लेकर बड़ी संख्या में मिलें चालू करवाने का प्रयास करें। पैरा महोदय, नियोजन की दृष्टि से हमारा उद्योग आबादी को प्रभावित करता है और इस प्रकार लोगों से इसका संबंध जुड़ा रहता है। इस उद्योग के अंदर आज 15 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 10 लाख लोग बड़े कारखानों में, 2 लाख लोग छोटे कारखानों में और 3 लाख लोग लघु उद्योग के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस बड़ी जनसंख्या को देखते हुए मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि भारत का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो इस उद्योग से न जुड़ा हो। इस उद्योग से देश को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें से 80 करोड़ रुपए हथकरघा क्षेत्र से, 90 करोड़ रुपए बड़ी कपड़ा मिलों से और 60 करोड़ रुपए विदेशों को भेजे जाने वाले सिले सिलाए वस्त्रों से प्राप्त होते हैं। लेकिन दुनिया के बाजार में भारत की होड़ कोरिया से है। कोरिया से भारत की प्रतियोगिता को देखते हुए भारत को नई तकनीक अपनाने की बहुत आवश्यकता है और इस दिशा में तुरंत प्रयास किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी ख्याति एवं प्रभाव को कायम करने के लिए भारत को अपनी मशीनों को नवीनीकरण करना होगा, क्योंकि हमारी जो अब तक की मशीनें हैं वे पुरानी पड़ रही है। इसलिए इस उद्योग को सुरक्षित किए बिना आप प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। पैरा समाप्त।